आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में UPPC सखी योजना के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, रिजल्ट के बारे में भी कुछ बताएंगे हम आपको, और उसके बाद समूह के बारे में भी थोड़ी सी कुछ जानकारी मिली है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जिसके यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, जिसके यहाँ पर हमने आपको बताया था जिस जगह पर वहाँ पर जिसके जिसके जगह पर हो गया है उसको कार्य क्या करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपने जो कमेंट्स में मुझसे सवाल भी किया था उस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो लाइक करते हैं, और उसके बाद इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग का आता है। आपसे यह भी एक बात बता दें कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और हम आपसे करना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। हम आपसे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए क्यों कहते हैं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको कोई जानकारी मिस ना हो। जो भी हम जानकारी वीडियो में दे रहे हैं थोड़ा सा भी आप स्किप कर दिए, आधी देखिए वीडियो आधी नहीं देखिए, कहीं बीच से देख लिए तो कहीं शुरू से देख लिए तो कहीं अंत से देख लिए, तो इसीलिए आपको पूरी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। आप आधी बात सुनते हैं और आधी अधूरी जानकारी लेकर के वीडियो से जाते हैं, तो इसलिए हम आपसे बार बार यही कहते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करिए, क्या हम उसमें बता रहे हैं इसको तो आप सुन लीजिए ना एक बार, और नहीं तो आप बार बार कमेंट करते हैं हम बता तो देते हैं वीडियो में, इतनी लंबी वीडियो हम क्यों बनाएं, केवल इसीलिए बनाते हैं कि आपको पूरी जानकारी हम दे पाएँ, ठीक है, आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे पाएँ इसीलिए, लेकिन आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हैं इसलिए आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, और वही क्वेश्चन बार बार लोग करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपने प्रश्न किया है तो हमारा काम है आपको उसका आंसर देना, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया कर लिया करिए, क्या बताया गया है उसमें ध्यान से आप सुना करिए और ध्यान से देखा करिए, स्क्रीन पर जब कोई बात कोई चीज़ दिखाते हैं स्क्रीन पर तो उसको ध्यान से आप देखा करिए और समझा करिए कि क्या बताया जा रहा है, और वीडियो में आप लोगों के फ़ायदे की ही चीज़ें बताई जाती हैं, आप लोगों की जानकारी की चीज़ें बीसी सखी के बारे में ही सारी जानकारी बताई जाती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और पूरी जानकारी को सुन लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि रिजल्ट के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, जानकारी देंगे आगे, और वीडियो में हम आपको एक बात और बताएंगे कि और किस ब्लॉक में किस जिले में आ गया है रिजल्ट, ठीक है, आगे जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो को बीच में से स्किप आपको नहीं करना है, पूरी जानकारी सुन लेनी है, ठीक है। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। तो हमें कुछ समूह के बारे में जानकारी मिली है तो उसी के बारे में हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, और हम आपको हमेशा लाइव प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है, कोई प्रूफ होता है तभी हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। समूह के बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है तो अब आगे देखने के बाद आपको सारी समझ में आ जाएगी बातें, और किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे। समूह का खाता खोलने के लिए कौन से कागजात की आवश्यकता होती है, ठीक है, पहला है देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, समूह की ओर से पारित एक प्रस्ताव जिसमें समूह का खाता खोलना तथा खाता लेते हैं, समूह के कार्यकारिणी तथा प्रबंध समिति या उनके सदस्यों का फोटो जो समूह के खाते का संचालन करेंगे, ठीक है, फोटो होना चाहिए समूह का, और उसके बाद थर्ड देख लीजिए, खाते को संचालन करने वाले सदस्य का फोटो, पहचान पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए खाते को खोलने के लिए, और उसके बाद चौथा देख लीजिए, समूह के सदस्यों का एक सामूहिक फ़ोटो होना चाहिए, कोई समूह बनाएंगे तो उसका सामूहिक फ़ोटो एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 5 देख लीजिए है, यदि शाखा प्रबंधक कोई ज़रूरत पड़ेगी तो समूह का नियम कानून खाता वही दिखाने के लिए बोल सकते हैं वहाँ पर, ये स्क्रीन पर स्वयं सहायता समूह के गठन के कितने माह के बाद बैंक से ऋण ले सकते हैं, ठीक है, जब आप स्वयं का सहायता समूह बना लेंगे, गठित कर लेंगे अपने समूह को, तो आप कितने समय बाद ले सकते हैं, सामान्यतः समूह गठन के 6 माह बाद आप ऋण ले सकते हैं, इस 6 माह की अवधि में समूह के सदस्य अपनी बचत राशि को लेन देन कर आपसी विश्वास तथा सामंजस्य को मजबूत करते हैं। इसमें यह भी लागू होती है कि अगर समूह के सदस्य हैं, ठीक है, और आपने पहले से कोई ऋण लिया हुआ है उसका भुगतान आपने नहीं किया है तो आपको दोबारा से ऋण नहीं मिलेगा, ठीक है, बैंक से ऋण नहीं मिलेगा, बैंक किसी भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य अल्टर होने पर यानी कि उसका ऋण न चुकाने पर उस समूह को ऋण देने के लिए मना कर सकता है। लेकिन यह भी है कि समूह बैंक के लिए गए ऋण से ऐसे सदस्यों को आंतरिक ऋण देने से मना कर सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दी है तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी
पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, समूह से जुड़ी जितने भी लोगों के मन में डाउट थी वो क्लियर हो गए होंगे। हमने आपको केवल इसीलिए यह जानकारी दी है समूह के बारे में क्योंकि सब लोग बार बार प्रश्न करते रहते हैं समूह के बारे में। यह जानकारी आपको लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब आप बैंक सखी बनने वाले हैं तो आपको ये जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सहायता समूह बनाने के लिए आपको यही सब कार्य करने हैं। ठीक है, हमने आपको जानकारी दे दी है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि किस जिले में किस ब्लॉक में आया है और हमें जानकारी मिली है तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन सब जिले में अभी तक नहीं आया है ये भी हम आपको बता दें ब्लॉक में। ठीक है, और हमारे भी ब्लॉक में अभी तक नहीं आया है लेकिन हम आपको दिखाते हैं, आगे लाइव प्रूफ दिखाएंगे, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, लाइव प्रूफ दिखाएंगे, आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। कल हमने जो वीडियो बनाया था उस पर किसी ने कमेंट किया, देख लीजिए, सीमा सिंह चौहान इनका नाम है, सच में नाम आ गया है, बस एक ब्लॉक से तीन लोग के नाम आए हैं, उन्नाव ब्लॉक मियागंज। इस कमेंट को आपको देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात कि बहुत सारे लोगों का तो नहीं आया बता सकते हैं हम, लेकिन कुछ ब्लॉक में हमें जानकारी मिल रही है कि आ गया है। ठीक है, अब कल भी जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया था, कल भी हमारे पास दो कमेंट ऐसा ही आया था। ठीक है, दो लोगों ने किया था कि हाँ हमारे भी ज़िले में आ गया, हमारे ब्लॉक में आ गया है। हमें भी लगता है कि हो सकता है आ गया हो, क्योंकि एक लोग झूठ बोल सकते हैं, सब लोग झूठ नहीं बोलेंगे। रिजल्ट आ गया है, ठीक है, सब ब्लॉक में नहीं आया है, कुछ कुछ ब्लॉक में आ रहा है, तो अब धीरे धीरे तो आएगा ही, जैसे जैसे प्रोसेस चालू होता जाएगा, जहाँ जहाँ पर वहाँ वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, प्रोसेस लगातार चल रहा है। हमने आपको कमेंट इसीलिए केवल दिखाया है आपको विश्वास हो सके। ठीक है, प्रूफ दिखाने के लिए हमने आपको ये कमेंट दिखाया है। ठीक है, और अगर आप भी उन्नाव ब्लॉक मियागंज के रहने वाले हैं, जिसने वहाँ के लोगों ने आवेदन किया है, तो आप जा कर के चेक कर लीजिए कि आ गया है कि नहीं आया है, आपका भी हो सकता है इसमें चुनाव हो गया हो। कल भी हमने आपको ये बात बताई थी कि आप लोग अपने अपने ब्लॉक में एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, जिसने चेक कर लिया है कोई बात नहीं है, आप पता करते रहिए, और अगर आपके ब्लॉक के बारे में हमें कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। जिसके जिसके ब्लॉक में, जिसके जिसके ज़िले में आ गया है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, आप भी उन्नाव के रहने वाले हैं तो आप जा करके अपने यहाँ पर चेक कर लीजिए। चलिए रिजल्ट के बारे में आगे भी बात करेंगे, तो पहले हम दूसरे कमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, रुपए ब्लॉक में कब चयन होगा बताने के लिए कष्ट करें। ठीक है, आपने अपने ब्लॉक का नाम बता दिया है, अगर आपके ब्लॉक के बारे में कोई भी हमारे पास सूचना आती है तो हम तुरंत वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई परेशानी है तो आप जाकर के एक बार अपने भी ब्लॉक में आप भी चेक कर लीजिएगा, करके ब्लॉक में पूछ लीजिए कि ऐसा बताया जा रहा है कुछ जगह पर रिजल्ट आ गया है तो हमारे यहाँ आया है कि नहीं आया है। अपने ब्लॉक में जाइएगा, अब ब्लॉक में आपको कहाँ जाना है, ब्लॉक में आपको जाना है वीडियो के पास। ठीक है, क्योंकि वहाँ के अधिकारी होते हैं तो वहाँ पर आपको जाना है उनके पास, तो वहाँ से आपको सही सूचना एकदम मिल जाएगी। दूसरा कमेंट की बात कर लेते हैं, लेकिन दूसरा कमेंट पढ़ने से पहले हम आपसे पहले एक बात ये बता दें, आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, और क्योंकि कब कौन सी बात कहाँ पर बताई जा रही है। लीजिए, हमने शुरुआत में कोई बात बताई है, आपने सुनी नहीं, स्किप कर दिया, स्किप करके देख लिया नहीं समझ में आएगा, लास्ट में कोई बात बताई है तो भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर पूरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं पूरा वॉच किया करिए। तो चलिए आपके कमेंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने भी कल की ही वीडियो में कमेंट किया था कि ब्लॉक में मेरी बात होती रहती है और विकास भवन में भी प्रोसेस में है, ऐसा बोलते हैं। हम आपको यह बता दें कि आप जो पूछना चाहते हैं कि हाँ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, विकास भवन में आपको जो बात बताई जा रही है सही बात है, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर प्रोसेस पूरा हो गया है वहाँ पर रिजल्ट आ जा रहा है, क्योंकि लोग झूठ नहीं बोलेंगे, कितने लोग झूठ बोलेंगे, आखिरकार कितने लोग झूठ बोलेंगे, एक लोग, दो लोग, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो हम आपको ये बता दें कि हमने आज भी पता किया था लेकिन कोई सूचना नहीं है, ब्लॉक में भी, हमारे भी ब्लॉक में यही बोलते हैं कि प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यही बोलते हैं कि जानकारी दे देंगे, जब कोई सूचना आएगी तो नोटिफिकेशन उसके लिए जारी किया जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ रिजल्ट आ गया है तो हो सकता है उनके यहाँ आ गया हो। ठीक है, आपने ही सेकंड कमेंट किया है कि आएगा रिजल्ट या नहीं आएगा। कि जब ब्लॉक में अपने बोला जा रहा है कि प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस हो रहा है ना, हमारे ब्लॉक में भी तो प्रोसेस अभी चल रहा है, हमारे ब्लॉक में भी अभी कोई आया नहीं है रिजल्ट। ठीक है, जैसे जैसे जिसके जिसके यहाँ प्रोसेस हो रहा है उसी के अनुसार उसके यहाँ रिजल्ट आ जा रहा है, ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट तो जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा,
बशर्ते इतना है कि थोड़ा लेट आ सकता है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है बस। जैसे इतने दिन इंतज़ार कर लिया वैसे कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, तो रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, हम आपसे बार बार ये बात बोलते रहते हैं कि फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत आया करिए, जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपको प्रूफ दिखाए, ठीक है, प्रूफ के साथ जो दिखाए आपको उसी के ऊपर आप विश्वास किया करिए। जब हमारे पास कोई सही जानकारी रहती है, हमारे पास कोई प्रूफ रहता है, तब भी हम आपको जानकारी देते हैं, अन्यथा आपको जानकारी हम नहीं देते हैं। बाद जगह पर आपने ये भी सुना होगा कि ट्रेनिंग शुरू हो गई है, ट्रेनिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं हो रही है, अभी तो रिजल्ट आना ही शुरू हुआ है, रिजल्ट आते ही तुरंत ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब फ्रॉड है। ठीक है, हमने आपको समूह के बारे में भी जो आगे जानकारी दी है उसको ध्यान से आप देखिएगा, वह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है और आगे चलकर आपको वही जानकारी काम देगी। मैंने आपको प्रूफ के साथ भी दिखाया, बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट के बारे में भी पूरी वही बात है। कुल मिलाकर के आप अपने अपने ब्लॉक में एक बार जाकर के चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमने आपको आज बताया, तो कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सहारनपुर में भी रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद उन्नाव ब्लॉक मियाँगंज में भी आ गया है रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमें सूचित किया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हमने जो आपको नाम बताए हैं उस जगह के, अगर आप निवासी हैं तो जाकर आप अपना अपना चेक कर लीजिए। ठीक है, मैसेज आए मोबाइल पर चाहे ना आए, सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिसके जिसके ब्लॉक में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जिसके ब्लॉक में नहीं आया है वो भी हम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके ब्लॉक के बारे में कोई भी हमें सूचना मिलती है आपके ज़िले के बारे में, तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। इस तरह से हमने आज भी बताया है आपको, और कल की वीडियो में भी हमने बताया था। आपने अगर नहीं देखा है कल की वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। कल की वीडियो में भी हम आपको बिजली सखी योजना के बारे में कुछ नई जानकारी देंगे। ठीक है, हम पता करते रहेंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे इसी तरह से। आप सभी के सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं, आपके ज़िले में जब भी आएगा हमें जानकारी प्राप्त होगी, हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपके साथ एक नए टॉपिक लेकर आएंगे, बिजली सखी के बारे में एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। तो जानकारी अगर आपको लेनी हो और आपको अपने ज़िले का नाम जानना हो कि हाँ हमारे ज़िले में आया है नहीं आया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है, क्योंकि बेल आइकन को आप अगर प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, जब भी हम कोई अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, मैसेज के तरह से जैसे आता है तो पहुंच जाएगा आपके पास, आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख सकेंगे। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, उसके बाद आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपको एक न एक जानकारी डेली देते रहेंगे, कुछ ना कुछ जैसे न्यूज हमें मिलती रहेगी जैसे जैसे, वैसे वैसे हम आपको डेली जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, आपके जिला वाइज जो भी जानकारी हमको आएगी रिजल्ट के बारे में भी हम आपको जरूर सूचित करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई हो, जरा से भी आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो, ठीक है, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अगर आपको इस वीडियो से मिला हो, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिजली सखी योजना के बारे में कोई नई जानकारी लेकर के, आपके ग्राम की जानकारी लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।